बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। फौजी फाउंडेशन स्कूल बिहारी इज हियर। इट्स योर कंप्यूटर क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 2 हार्डवेयर बेसिक। एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर दैट व्हाट इज सिस्टम यूनिट एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि सिस्टम यूनिट क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। जितने भी कंपोनेंट्स थे हमने उसमें से दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, ठीक है, मदरबोर्ड और प्रोसेसर को। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर की हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम इन यूनिट, एक्सपेंशन कार्ड, types of expansion cards and expansion block, ठीक है, barcodes and barcode reader, fingerprint scanner and robot। हम इन चीजों को आज के लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। So let's start. What is expansion card? It is an electronic circuit board that enhances the capability of a computer to perform additional functions which are not offered by the motherboard by default। ये क्या है? ये एक electronic circuit board है। क्या करता है? जो कि computer की capability को, काबिलियत को, ठीक है, computer की काबिलियत को बढ़ा देता है कि वो कुछ additional functions भी perform करे। वो functions जो कि हमें motherboard से by default नहीं perform करने को मिल रहे हैं, ठीक है, हम वो क्या करेंगे? उसके लिए हम एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में कि वो हमारे कंप्यूटर की काबिलियत को, हमारे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा दे, ठीक है। एग्जांपल्स जो होती है एक्सपेंशन कार्ड की बहुत सारी हैं, उनमें से जो मेन दो मैं आपको आज बता रही हूँ वो है साउंड कार्ड एंड वीडियो कार्ड, ठीक है। साउंड कार्ड किस लिए इंसर्ट किए जाते हैं? आप देखें तो आपके कंप्यूटर में मतलब साउंड की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर की साउंड की क्वालिटी मींस के उसकी आवाज जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, एक एडिशनल साउंड कार्ड इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी साउंड की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए हम ये कार्ड इंसर्ट करते हैं। वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड क्या होते हैं कि लेट सपोज आपके कंप्यूटर में हाई रेजोल्यूशन वीडियो जो है वो प्ले नहीं होती, ठीक है, आप जैसे ही वो वीडियो प्ले करते हैं तो वो स्टॉप हो जाता है कंप्यूटर, ठीक है, बंद हो जाती है, हर चीज बंद हो जाती है, वीडियो प्ले ही नहीं होती, वो एरर मैसेज डिस्प्ले करता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम वीडियो कार्ड इंसर्ट करवाते हैं कंप्यूटर में, ताकि हमारे कंप्यूटर की जो वीडियो फंक्शनैलिटी है वो क्या इनहेंस हो जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन कार्ड, जो मेन टाइप्स ऑफ फोर वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड एंड मोडेम, ठीक है। तो जो बेसिकली जो फोर एक्सपेंशन कार्ड की टाइप्स हैं वो ये है, वो मैंने आपको बता दी। एक्सपेंशन स्लॉट्स, अ स्लॉट इनसाइड अ कंप्यूटर वेयर एन एक्सपेंशन कार्ड कैन बी इंसर्टेड इज कॉल्ड एन एक्सपेंशन स्लॉट। एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है? वो जगह जहाँ पे हम कंप्यूटर में एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट करें हम उसको क्या कहते हैं, वो क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट है, ठीक है। आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखें तो ये एक्सपेंशन कार्ड्स आपके पास यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, पोर्ट ये चीज है, ठीक है, पोर्ट मीन्स क्या, आपने एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ कोई चीज अटैच करनी है, जैसे कि आप यूएसबी फ्लैश कार्ड कह रहे हैं, ठीक है, वो आपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो आप इस पोर्ट के जरिए करते हैं जो कि एक्सटर्नली अटैच कर देता है कंप्यूटर के साथ। एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं? यहाँ पे है, ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगी आपके पास, आप यहाँ पे अपने एक्सपेंशन कार्ड जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। बारकोड, बारकोड क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ ब्लैक बार्स एंड व्हाइट स्पेसेस विच आर ऑफ डिफरेंट विड्थ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूपीसी कोड।
ये क्या होता है, ये ब्लैक बार्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट विड्थ की, मीन्स कि आप देखें तो इसकी विड्थ और है, इसकी विड्थ और है, और इसकी विड्थ और है, मीन्स कि ये ज्यादा मोटा है, ठीक है, ये इसकी विड्थ थोड़ी कम है और इसकी बिल्कुल कम है, सिंगल लाइन है, ठीक है। तो आप देखें कि डिफरेंट विड्थ की ब्लैक बार्स होती हैं और उसमें उसके अंदर व्हाइट स्पेसेस होती है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बारकोड होता है। आप बारकोड देखना चाहते हैं तो आप देखें, आप कोई भी बिस्किट परचेज करते हैं या आप कोई और कोई स्नैक्स वगैरह परचेज करते हैं, लेज परचेज करते हैं, शॉप पे जाएं, तो आप उसकी बैक साइड पे देखेंगे इस तरह की लाइंस बनी होंगी और नीचे एक कोड लिखा होगा, ठीक है। तो वो क्या चीज होती है, वो बार कोड होता है, ठीक है। मेनली इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाया जाता है ये प्रोडक्ट्स के ऊपर, इसके अंदर ये हमें तो नजर नहीं आ रहा है इस बार कोड में क्या है, लेकिन हम देखें तो इसमें जो है हमारे पास आइटम की डिटेल होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की डिटेल होती है, मीन्स की प्रोडक्ट क्या है, इसका फ्लेवर क्या है, ठीक है, और इसकी प्राइस क्या है, और डिफरेंट चीजें हो सकती है, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट की डिफरेंट डिटेल होती है जो कि हम रीड आउट नहीं कर सकते, हम इसको एक स्पेशल मशीन के जरिए रीड आउट करते हैं या एक स्पेशल डिवाइस के जरिए रीड आउट करते हैं, वो होती है बारकोड रीडर, ठीक है। वैसे मेनली हम इस बारकोड को हम क्या कहते हैं, यूपीसी कोड भी कहते हैं, बारकोड रीडर, ठीक है। वो डिवाइस, वो इक्विपमेंट, ठीक है, जिसके जरिए हम बारकोड को रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिटेल पड़ी है, हम उसको क्या कहते हैं, बारकोड रीडर, ठीक है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट कैन रीड प्रिंटेड बारकोड। अ बारकोड स्कैनर यूजेस अ लेंस, लाइट सोर्स एंड फोटो कंडक्टर टू ट्रांसलेट ऑप्टिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बारकोड रीडर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ठीक है, जो कि क्या करता है, प्रिंटेड बारकोड को रीड आउट करता है कि इसके अंदर कौन सी डिटेल है प्रोडक्ट, मींस कि अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो वो सिंपली इसको बारकोड रीडर के जरिए स्कैन करके बता देता है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर देता है कि इसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ये क्या यूज करता है, ये स्कैनर जो है क्या यूज करता है, एक लेंस, लाइट सोर्स को और फोटो कंडक्टर को यूज करता है, जिसके जरिए वो क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे कुछ टाइप्स हैं बारकोड स्कैनर की, उसमें फिक्स पोजिशन है, हैंड हेल्ड है, एलईडी स्कैनर है एंड लेजर स्कैनर है। जो पीछे हमने अभी ये बारकोड रीडर देखा है, ये कौन सा स्कैनर है, बारकोड स्कैनर कौन सा है, ये हैंड हेल्ड है, ठीक है। आगे और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर क्या होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ स्कैनिंग एंड स्टोरिंग फिंगरप्रिंट, ठीक है। आप लोग देखें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर मोस्टली जो ज्यादा बेसिक इसका यूज है वो नाट्रा ऑफिस में है, ठीक है। आप CNIC बनवाने जाते हैं तो वहां पे इसी तरह की एक्जेक्टली एक मशीन यूज हो रही होती है जहाँ पे फिंगरप्रिंट्स को स्कैन किया जाता है। इसके अलावा आप बैंक जाएं, अकाउंट ओपन करवाते हैं, या आप देखें कि सिम, आप एक न्यू सिम निकलवाते हैं, ठीक है, फ्रेंचाइज से, तो वो भी आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए क्या उसकी वेरिफिकेशन होती है। आप अपना मोबाइल चेक कर लें तो मोबाइल में आजकल मोस्टली मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन है, मीन्स कि आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा लेते हैं अपने मोबाइल को, कि जब तक आप वो फिंगरप्रिंट से अपने स्कैन नहीं करेंगे तब तक उस मोबाइल का लॉक ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का यूज था कि ये स्कैन करता है और उसके अलावा क्या करता है, फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करता है। रोबोट, दीज आर द कंप्यूटर कंट्रोल्ड मैकेनिकल डिवाइस दैट समटाइम्स रिजेंबल्स अ ह्यूमन एंड इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ वैरायटी ऑफ टास्क। क्या करता है ये इंसानों की तरह ही काम करता है, मोस्टली काम, ठीक है। आप देखिए ये कंप्यूटर कंट्रोल मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है, ये ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज में अब यूज हो रहा है रोबोट्स टेक्नोलॉजी, कि हम इनको कुछ भी कहेंगे काम करने के लिए, अगर हम लेट सपोज एक रोबोट है कि हमने उसको इस पर्पज के लिए मंगवाया कि हम उससे किचन का काम करवाएं, या किसी चीज को अगर हमने पिक करवाना है, मीन्स कि हम चाहते हैं कि वो रोबोट वो चीज उठा के लाए हमारे पास, तो अगर हम उसमें ये फंक्शनैलिटी बनवा देते हैं, ठीक है, मीन्स के हम रोबोट को कहें कि वो चीज उठा के लाए, तो क्या करेगा कि ह्यूमन एज ए ह्यूमन ही काम कर रहा है हमारे लिए, ठीक है, मीन्स के ये आप उसे कोई काम कहते हैं और वो काम करता है, वो परफॉर्म करता है वही टास्क जो आप उसे कहते हैं, ठीक है। तो
रोबोट्स आजकल जो यूज हो रहे हैं ये बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम कर रहे हैं, इसमें डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के एंड में जो आपने होमवर्क करना है, जो मैं असेसमेंट आपको दूंगी, वो है व्हाट इज द रोल ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का रोल क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है, ठीक है, परफॉर्म करता है, हमें आपने ये बताना। What does the fingerprint scanner work? Fingerprint scanner work किस तरह से काम करता है, how does, ठीक है, fingerprint scanner की working कैसे होती है आपने ये बताना है, ठीक है। ये आपने दोनों questions अपने homework notebook से करना, मुझे WhatsApp group में forward करना है ताकि मैं आपका homework check कर दूँ। तो ये था आज का lecture। आज के lecture में कोई भी query हो, कोई confusion हो, जो आपको समझ ना लगी हो lecture से related कुछ, तो आप मुझे WhatsApp ग्रुप में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।